कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नस्ट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से फाइनल जो मेरिट लिस्ट लगी है उसके बारे में डिटेल देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो है लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पर जाना है, वहाँ पर जाकर आपने nust.admission लिखना है। वहाँ पर आपके पास जो है ये ओपन हो जाएगा। जब आपके पास ओपन होगा, आपके पास ऐसा पेज हो जाएगा जिस पर आपने क्लिक कर देना है। आपके पास ये थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट की, इस पर क्लिक कर देना है। लोकल कैंडिडेट्स के लिए इसको ओपन कर लेंगे। जैसे इसको ओपन करते हैं तो आपके पास जो है ये लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके 95 स्टूडेंट्स थे उनकी जो है 85 स्टूडेंट की लिस्ट लग चुकी है। जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका एग्रीगेट जो है 94.75 है। इसी मिडल अगर हम मूव करते आते हैं तो लास्ट स्टूडेंट हमारे पास, क्योंकि 85 ओपन मेरिट की सीट थी तो यहाँ पे ओपन मेरिट की सीट लग चुकी जो है लास्ट स्टूडेंट की, जो 85 नंबर पे था उसका 91.00577 है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि 5 जनवरी तक आपने इसकी फ़ीस पे कर देनी है। इसके अलावा जो लिंक दिया हुआ है यहाँ से आप इसका एडमिशन लेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपने अपना लिस्ट में नेम सर्च पर जाना है। सर्च पर जाकर लेट्स सपोज आपने अपना नेम AYE तो आपका इसका नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। आप अपना नेम कंफर्म कर सकते हैं। तो इसका जो क्लोजिंग इंडिकेटर रहा है वो 91.00577 रहा है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने वो डाउनलोड लेटर कैसे करना है, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले हमने डाउनलोड प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना अप्लाई करने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और ओके कर देना है। तो जैसे ही आप चेक मेरिट स्टेटस पर क्लिक करेंगे, आपका मेरिट यहाँ पर चेक हो जाएगा। तो ये जो है उन्होंने लिस्ट लगा दी है, इसमें एग्रीगेट जो है वो कैलकुलेट किया गया। वो बता रहे हैं अगर आपने कोई भी इसमें टेम्परिंग किया तो आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी हो सकती है और आपने अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है। और फीस सबमिट करवाने के बाद आपके जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो लग जाएगी। कल तक इन्होंने प्रोविजनल लिस्ट लगाई थी, लेकिन आज इन्होंने स्टूडेंट्स की जो है 85 स्टूडेंट लोकल और 15 स्टूडेंट जो है वो फॉरनर्स की इन्होंने लिस्ट लगा दी। अगर हम फॉरनर स्टूडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 15 स्टूडेंट की लिस्ट होगी। जो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टोटल आपके जो है 85 और 1500 जो है ये स्टूडेंट्स आपके हो गए हैं। और यहाँ पे 74.1321221 इसका जो है एग्रीगेट रहा है। तो आपने जो लास्ट डेट है आपकी रिस्पॉन्ड करने की वो ये 5 जनवरी 2024 है। तो आपने बस अपनी वेबसाइट पे जाना है, जाके वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर देने के बाद जो आपको फॉर्म मिलेगा उसको डाउनलोड करना है और साथ अटैच करके रिस्पॉन्ड कर देना, ताकि आपका नेम जो है फाइनल लिस्ट में आ जाए। तो अब तक के लिए इतने दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।